चलिए हम आज अपनी 10वीं कक्षा की हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकालें। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास में हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण में हम पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे आज बच्चों? पढ़ेंगे रस। ये रस है क्या? रस का शाब्दिक अर्थ है, मतलब होता है आनंद या मजा। तो जिस भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से हमको जो आनंद की प्राप्ति होती है वह रस कहलाता है। तो देखते हैं रस कि रस किसी काव्य की आत्मा है। क्या है रस? काव्य की आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर किसी काम का नहीं होता, इसलिए काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। कि किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति या प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। पाठक मतलब जो पढ़ रहा है काव्य साहित्य, श्रोता जो सुन रहा है और दर्शक जो देख और सुन दोनों रहा है। तो जो हमको काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा क्या लिखी है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। क्या है काव्य की रस की परिभाषा? रसमय वाक्य ही काव्य है। कि जिस काव्य में रस हो वही क्या है? काव्य कहलाता है या रस कहलाता है। अब है रस के अंग। रस के अंग या अवयव, तो रस के अंग होते हैं चार। कितने होते हैं? रस के अंग होते हैं चार। पहला स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। पहला कौन सा है? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बच्चों आप ध्यान पूर्वक सुनिए, ये आपकी परीक्षा में आते हैं कि रस के कितने अंग या अवयव होते हैं। तो रस के चार अंग होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्थाई भाव किसे कहते हैं या स्थाई भाव की परिभाषा। जैसे कि आपको इससे शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्थाई मतलब जो हमेशा रहते हैं। देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को स्थाई भाव कहते हैं और ये भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल अवसर पाकर स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। मतलब स्थाई मतलब जो हमेशा रहते हैं, ये मनुष्य के हृदय में हमेशा रहने वाले भाव होते हैं। पर ये कैसे होते हैं? सुप्त अवस्था में होते हैं। सुप्त मतलब सोते रहते हैं या सुप्त रहते हैं। और जब इनको परिस्थिति के अनुसार अवसर, अनुकूल अवसर पाकर यह स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, ममता, स्नेह, ये सब क्या है? ये सुप्त अवस्था में होते हैं और अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं उसको पाकर ये जागृत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रस और उनके
स्थाई भाव देखते हैं। पहला श्रृंगार रस, इसका स्थाई भाव है रति। फिर है दूसरा शांत रस, इसका है निर्वेग। तीसरा रस करुण रस, इसका है करुणा या शोक। हास्य रस का हास या हसी। पांचवा है वीर रस, इसका स्थाई भाव है उत्साह। छठवा है रौद्र रस, स्थाई भाव है क्रोध। सातवा भयानक रस, इसका स्थाई भाव है भय। और विभत्स रस, इसका स्थाई भाव है जुगुप्सा या घृणा। फिर है नौवा अद्भुत रस, इसका है विस्मय। और दसवा है वात्सल्य रस, इसका स्थाई भाव है वत्सल। अब हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले। अब है अभी अपन ने क्या देखा, स्थाई भाव। और जो रस है, दस रस है, दस रस के स्थाई भाव देखे। अब दूसरा है रस के अंग में पढ़ा था विभाव। तो विभाव की परिभाषा की स्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारण को विभाव कहते हैं। जब स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं तो होने वाले जो कारणों से स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उनको विभाव कहते हैं। अब विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थित स्थाई भाव रस के रूप में निष्पादित होता है, जैसे शत्रु को देखकर क्रोध करना और गंदी चीजों को देखकर घृणा करना। यहाँ पे क्या बोला है, जिसके कारण आश्रय के हृदय में, आश्रय मतलब मनुष्य के हृदय में स्थित स्थाई भाव। अभी आपको स्थाई भाव पढ़ाया था कि स्थाई भाव सुप्त अवस्था में होते हैं और अनुकूल परिस्थिति पाकर जागृत हो जाते हैं। तो क्या है, मनुष्य के हृदय में स्थाई भाव जब निष्पादित होते हैं, जैसे अगर सामने से आपका कोई, जिससे आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, शत्रु है, तो उसको देखकर आपके चेहरे पे स्वाभाविक है गुस्से के भाव आएंगे, क्रोध आए, अरे इसको तो मैं मार दूंगा, ये मेरा दुश्मन है। या कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं कुछ है, तो देखकर अरे गंदा है, हमने कहाँ देख लिया, है ना। दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो भावों को जन्म देने के कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे स्नेह की गर्जना और घना अंधकार कांपना आदि। उद्दीपन जो भावों को जन्म देते हैं, जो भावों को उत्पन्न करते हैं, वह उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे अगर कहीं उदाहरण दिया है सिंह की गर्जना, अगर शेर की दहाड़ या सिंह की गर्जना सुनेंगे तो वैसे ही मनुष्य क्या हो जाता है, डर जाता है। या बोले आप अंधेरे में चले जाओ तो भी आप डरोगे। कांपना, डरना, ये सब क्या होते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, पहला आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि जिसके कारण आश्रय के हृदय में। फिर दूसरा विषय, जिसको देखकर भाव जागृत होते हैं। अब है तीसरा अनुभाव। पहला था स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। तो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं और अंग्रेजी में इसे एक्टिंग भी कहते हैं, जैसे चीखना, कांपना, भागने की चेष्टा करना इत्यादि। आश्रय की मतलब मनुष्य की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, इसे अंग्रेजी में एक्टिंग करना भी कहते हैं, जैसे क्या है, भागना, डरना, कांपना, चीखना इत्यादि। अब है चौथा संचारी भाव। तो मानव के मन में या आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थाई मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इन भावों को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है, जैसे निर्वेग, ग्लानि, स्मृति, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह आदि संचारी भाव हैं और इनकी संख्या लगभग 33 मानी गई है। तो संचारी भाव क्या होते हैं, ये एक अस्थाई मनोभाव, अस्थाई मनोविकार होते हैं जो मनुष्य के मन में
रहते हैं जो थोड़ी देर के लिए उत्पन्न, अस्थाई मतलब जो अनुकूल परिस्थिति पाकर थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, अस्थाई होते हैं, है ना। जैसे कि अरे आलस्य, हमेशा तो आलस्य नहीं होता, चिंता, स्नेह, ममता, ग्लानी, घृणा, निर्वेद, ये सब क्या है, अस्थाई भाव होते हैं। और इनकी संख्या लगभग कितनी मानी गई है, 33। संचारी भावों की संख्या लगभग 33 मानी गई है। अब हम अपने शुरू करते हैं रस, श्रृंगार रस, है ना। इसकी परिभाषा है कि नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार रस भी दो तरह का होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग रस जहां नायक और नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन होता है, संयोग रस होता है। वियोग का होता है कि जहां पे वियोग होना या दूर हो जाना या विरह होना। तो संयोग रस का उदाहरण देखते हैं कि एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक थे, उन्हें ऊपर सहज ही नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध का। दूसरा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, और राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नभ की परछाई। यहाँ पे क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। तो राम को रूप निहारति जानकी, जब राम और सीता का जब यहाँ था, तो सीता जी राम को कहाँ देखती हैं, अपने जो उन्होंने कंगन पहने हुए थे उस कंगन के नगों में वो राम के छवि को निहारती हैं। अब एक दूसरा वियोग श्रृंगार, तो जिस रचना में नायक नायिका का विरह वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण, उनका यह कुंज कुटीर वही झरता उड़ अंशु अबीर, जहाँ अली कोकिल कीर शिखी सब है सुन चालक कीरत पीर कहा। अब भी सब साज समान वही, तब भी सब आज अनाथ यहाँ। अब ये दूसरा रौद्र रस। रौद्र रस हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव भी हमने पढ़ा था ना, स्थायी भाव में का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मतलब श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्या है, क्रोध से जलने लगे, मतलब उनका जो रूप था वो रौद्र रूप हो गया था, क्रोध क्रोधमय हो गए थे, और वो अपना शख्स सब जो भी शोक था कष्ट था वो भूल कर फिर से युद्ध के लिए चले। कहा दूसरा उदाहरण, कहा के कई ने सको दूर हो दूर अरे निर्बोध, सामने से हट अधिक ना बोल, द्विज वे रस के विषमत बोल। अब ये तीसरा वीर रस, कौन सा रस है, तीसरा वीर रस कि सहृदय के हृदय में
उत्साह नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस करु ग्रहण कर लेता है। अभी हमने पढ़ा, ये बच्चों बहुत सरल है रस की परिभाषा, बस आप रस के स्थाई भाव याद कर ले, आप कोई भी रस आया परिभाषा लिख सकते हैं। किस्सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। अगर यही आप श्रृंगार रस की लिखेंगे तो सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो श्रृंगार रस होता है। बहुत आसान है बच्चों, ये आपको एक बार अच्छे से समझ ले आप कभी नहीं भूलेंगे। अब उदाहरण है इसका, हे सारथी हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, हे खेल छत्री बालकों का व्यूह वेदन कर रहे। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये वीर रस है, ये क्या है ऊर्जा, वीर रस की जो कवि होता है वह उत्साह भर देता है, इसीलिए उसका स्थायी भाव उत्साह ऊर्जावान होता है कि ये जो काव्य है ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह को उत्पन्न करने वाले होते हैं। एक और इसका उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बच्चों आपको प्राइमरी मिडिल स्कूल से याद है, आप लिख सकते हैं बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब है करुण रस, सहृदय की हृदय में स्थित शोक नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब करुण रस होता है। उदाहरण, सब बंधुन को सोच तजी तजी गुरुकुल कोनिए, हाँ सुशील सुत किमि कियो अनंत लोक में गे। एक और है करुण रस का उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा मात हुए कल ही हल्दी के हाँ, खुले भी ना थे लाज के बोल खुले भी ना चुंबन शून्य कपूर, हाय रुक गया तू यही संसार बना से दूर अंधा। अब है हास्य रस, किस्सा हृदय की हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब अनुभव विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब हास्य रस कहलाता है। हास्य रस का उदाहरण है, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है आराम शब्द में राम छुपा, जो भव बंधन को खोता है आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। ठीक है, दौड़ धूप में क्या रखा है आराम करो आराम करो, इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है बच्चों सुनेंगे आपको भी हंसी आएगी। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो मृदंगा। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा। फिर है भयानक रस, तो हृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, नभ से झपटत बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच, कंपति कंपित तन व्याकुल नयन लावक नियो न रंच। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यानो सी। फिर है विभत्स, सहृदय की हृदय में स्थित जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहाँ विभत्स रस की
विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण को अतलिंग की पहरी माल एक रात दिखावत को चर्बी ले लो सहित निज अंगनी लावत को मुंडनी ले मानी मोद कुंडुक लो डालत को रुंडनी पे बैठी को करे जो कार्य निकालत। इस उदाहरण को पढ़कर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। इसमें स्थायी भाव जुगुप्सा और घृणा है। और अतड़ी की माला पहनकर इतराना देखा को अतड़ी की पहनी माल इतरावत दिखावत को चर्बी ले लो क्या है शरीर पर पोतना नर मुंडों की को मंडली ले माली नर मुंडों को उछालना जे नर माछी खात है मुंडा पूत समेत तैनर सरगे जात है नाती पूत समेत। अब है अद्भुत रस साहित्य की हृदय में स्थित इसमें नामक स्थायी भाव जब अनुभव विभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित ग्रंथकुल पातु। यहाँ भी क्या है श्री कृष्ण के विषय में बोला गया है। और दूसरा है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बल जोगी। अब है शांत रस तुष्टा हृदय के हृदय में स्थित त्रिवेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर शांत रस की निष्पत्ति होती है या वहां पर शांत रस होता है। उदाहरण मन पछते हैं अवसर भी के दुर्लभ देई पाई हरिपद बुझ करम वचन अरूप दीते। संसार की नश्वरता स्त्री पुत्र की स्वार्थपरता का ज्ञान मानव शरीर पाकर भी भजन न करना सभी वस्तुओं का साथ छूटना बहु कोटि संग्रह बहु लाख हजार मौ संपत्ति जगुपति सदा विपति सब विदारण। हाँ अब है आखिरी दसवा रस वात्सल्य रस सहृदय की हृदय में स्थित वत्सल कौन सा वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब वहां पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है या वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण कबहू ससी मांगत आरी करे कबहू प्रतिबिंब निहारी रहे कबहू कर ताल बजाए के नाच तुम्हारू सवे मधुर। यहाँ पर राम जी का विषय भी बोला गया है कि कबहू ससी मांगतर कभी राम जी जब बचपन में थे छोटे थे तब वह क्या चंद्रमा मांग लेते थे या कभी अपनी ही परछाई कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे अपनी ही परछाई देखकर डर जाते कभी ताली बजा के नाचने लगते और उनकी ये सब बाल सुलभ लीलाएं देखकर मातु सबे मन मोद भरे मतलब उनकी जो माताएं थी वो उनकी बाल सुलभ लीलाएं देखकर बहुत ही अधिक खुश हो रही थी। दूसरा है जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे गुदरावे मनहावे जोई सोई कछुगावे मेरे लाल को आओ नरिया काहे न आनी सुनावे। दूसरा उदाहरण है जहां पर यशोदा माँ पालने में श्री कृष्ण जी को झुलाती है उन्हें हिलाती हैं डुलाती हैं और उनको लोरी सुनाती हैं कि मेरे लाल को नींद आ जाए। बच्चों ये आज अपना यहाँ पर रस पढ़े हमारे दसों रस समाप्त होते हैं। इसको आप अच्छे से कॉपी में लिखिए नोट करिए और याद करिए क्योंकि परीक्षा आपको देनी है।